हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। किसी खोखले गोले की त्रिज्या 6.4 मीटर है। इस गोले में ऊर्ध्वाधर गति करने वाले मोटरसाइकिल सवार का निम्नतम बिंदु पर न्यूनतम वेग क्या होगा, जिससे वह अपना ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा कर सके। अब देखिए, ये हमारा कोई खोखला गोला है। इसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 6.4 मीटर। इसको हम आर मान सकते हैं। ये गोले का केंद्र है ओ। अब देखिए, नीचे वाले पॉइंट पे हमारा, मान लीजिए, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार किस वेग से चलता है? वी वेग से चलना प्रारंभ करता है। अब ये क्या होगा? और आपको पता है, वृत्त को अगर पूरा करना है तो उच्चतम बिंदु पर नीचे की तरफ क्या लगेगा? मोटरसाइकिल का भार mg लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? मान लीजिए उच्चतम बिंदु पर वेग हमारा v1 है, तो ऊपर की तरफ कितना बल लगेगा? अपकेंद्रीय बल mv² / r लगेगा। तो उच्चतम बिंदु A पॉइंट के लिए अगर हम देखें, तो mv1² / r किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। m से m कट गया, तो यहां से v1² का मान कितना आ गया? rg के बराबर आ गया। इसको हम क्या मान सकते हैं? पहली इक्वेशन। अब अगर हम b पॉइंट और a पॉइंट के बीच में ऊर्जा का संरक्षण लगाएं, तो बी बिंदु को अगर हम रेफरेंस माने, तो बी बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 1/2 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? शून्य। ए पॉइंट पर गतिज ऊर्जा कितनी है हमारी? 1/2 mv² प्लस ए पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा कितनी है? mg/2r के बराबर। तो यहां से देखिए, एम 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 कट जाएगा, तो हमारा v² का मान कितना आ जाएगा? अगर दो को कॉमन ले लें, तो v1² + 4gr के बराबर आएगा, और v1² का मान हमें पहले से पता है 8g के बराबर। तो v² का मान कितना आ गया? 8g + 4rg। तो v का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? √5rg के बराबर। मान रख सकते हैं हम 5 × r का मान है 6.4 × g का मान 10। तो यहां से हमारा v का मान कितना आ गया? v का मान आ गया 10 से ये पॉइंट हट जाएगा, 64 × 5। ये कितना आएगा हमारा? 320। अगर हम इसका रूट लेंगे, तो v का मान हमारा आ जाएगा 17.7 मीटर प्रति सेकेंड। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद।